अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज महानूर उमर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो भूजो तो जीतो। एक दफ़ा से मैं फिर से हाजिर हूँ नई एक्साइटमेंट के साथ, नए लोगों के साथ। लोकेशन एक नई है, नई तो नहीं है, खैर जो नए इस वक्त देख रहे हैं हमें, जिन्होंने अभी से प्रोग्राम देखना शुरू किया उनके लिए नहीं है। इस वक्त हम हैं चिड़ियाघर जू में, जो बच्चों की फेवरेट प्लेस है और बड़ों की भी फेवरेट प्लेस है। अब तो मेरी भी हो चुकी है क्योंकि मेरा यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। तो मुझे आपने बताना है कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, मैं यहाँ पर लोगों से भी पूछूँगी। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, सवाल आपसे पूछती हूँ जो कि हम यहाँ पर आए हुए लोगों से भी करेंगे, जो यहाँ पर जानवर देखने आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, पिकनिक मनाने के लिए भी आए हैं। तो सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिससे शेर भी डरता है, और वो कौन सा ऐसा पालतू जानवर है जो कि बहुत ज़हीन होता है। ये रहे मेरे दो सवाल जो कि मैं लोगों से करूँगी। इसके बदले हम देंगे उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। तो जल्दी से हम चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, देर नहीं करनी है हमने। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर नेम? जीन। हाउ आर यू? गुड। गुड, आर यू गुड? आर यू एंजॉयिंग हियर? यस, वेरी गुड। व्हाई यू आर लुकिंग सैड? Just tired. Okay, ठीक है। आप बताएं मुझे कि कहाँ से हैं? एक्चुअली मैं यहीं से हूँ, पाकिस्तान से ही, बट आई एम लिविंग इन अमेरिका, फ्लोरिडा। ठीक है, ये तो मुझे अमेरिकन बॉर्न लग रही है। जी। व्हाट्स योर नेम? जीन। व्हाट्स योर नेम? जीन। 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 जीन, ठीक है। मुझे बताएं कि आप क्या करती हैं और अमेरिका में रहती हैं और पाकिस्तान अभी रहने के लिए आई हुई हैं, कितने अर्से के लिए? जी नहीं, मेरी फैमिली इधर ही है, मैं कोई 3.5 साल के बाद आई हूँ फैमिली विजिट के लिए। इनसे आपका क्या रिलेशन है, क्या लगती हैं आप? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है, तो हस्बैंड मुझे लगता है आपके हस्बैंड क्या करते हैं, उनका क्या नाम है? वो अमेरिकन ही है, नाम उनका चार्ल्स है। अच्छा, तो आपने कितना अर्सा हो गया शादी को, और वो आए हुए हैं? जी नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं आए, और हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि कैसे आपका प्लान बना, आपने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो हम चलते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं। एक्चुअली मेरी फैमिली इधर है, ऑफकोर्स फैमिली विजिट के लिए आते हैं, हम फैमिली को तो नहीं ना छोड़ सकते। कोरोना की वजह से कुछ देर के बाद आई हूँ, लेकिन ठीक है। मुझे बताएं बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है, यही एक ही बेटी है, और उसका नाम है जीन। आगे कोई प्लान नहीं किया आप? जी नहीं, अभी यानी माशाल्लाह, योर आइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। यू वांट टू से समथिंग अबाउट पाकिस्तान? यू लाइक पाकिस्तान? यस। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? I don't know. Have you ever tried गोल गप्पे? No. We just no? yesterday. Okay. Yeah, yesterday. Yeah, we went mall and she had a गोल गप्पे there. She enjoyed it. ठीक है, enjoy करें अभी और आप इनको भी करवाएं। तो आपको यहाँ पे आपका फेवरेट फूड क्या, आपके देसी फूड आप अपने बच्चों को भी खिलाती हैं वहाँ पे? जी हाँ, उधर मैं अमेरिकन खाने भी बनाती हूँ और अपना देसी फूड तो ज़ाहिर है वो तो नहीं छोड़ सकते, और शी loves spicy food now. Okay. She loves spicy food. तो कभी इसको बिरयानी बना के खिलाई? हाँ जी, खाती है कभी कभी, लेकिन खाती है। अच्छा, मैं अब ज़रा क्वेश्चन पे आती हूँ, क्विकली आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ पे एक तो पहले बताएं कि कौन सा एनिमल फेवरेट लगा आपको? एक्चुअली मुझे ज़ेब्रास पसंद है। व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल? अ लामा। अच्छा, और मैं अब आपसे सवाल करती हूँ एनिमल से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, वो ये है कि शेर आपने देखा है, लायन? जी जी। जो शेर है वो किससे डरता है? वैसे तो शेर किसी से नहीं डरता है, आप बताएं शेर किससे डरता है? बिल्ली से आते हैं। नहीं, बिल्ली तो शेर की खाला नहीं होती है। जी यस, है ना। क्या मैसेज देंगी आप? मैसेज किस बारे में आप चाह रही हैं? कोई भी मैसेज आप दे सकती हैं अबाउट पाकिस्तान, या कोई भी आप अपने रिलेटिव को दे सकती हैं। ऑफकोर्स मैसेज मेरा यही होगा कि हम अपनी फैमिली से जितने भी क्लोज रह सकते हैं हमें रहना चाहिए। मैं इतनी दूर रहने के बावजूद अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे सारी आपकी फैमिली रहती है? जी, बाकी सारी फैमिली मेरी इधर ही है। सिर्फ आप वहाँ पर रहती हैं? जी जी। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर जीन। वाई आर यू सैड? प्लीज स्माइल एंड से समथिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, थैंक यू सो मच। यू वांट अ गिफ्ट हैम्पर? ऑफ कोर्स, गिफ्ट। ओह, गिफ्ट, शी इज कंफ्यूज्ड। दिस इज गिफ्ट हैम्पर फॉर यू जीन। ओके,
थैंक यू. माय नेम इज मानूर एंड रिमेंबर मी. ओके ओके, नाइस टू मीट यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू व्यूअर्स. आपने देखा कि हमने इनसे बात की, अमेरिकन नेशनल थे और बड़ी अच्छी फैमिली थी. उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो पाकिस्तान घुमाना नहीं भूली हैं. वो इसी तरह जब अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो पाकिस्तान ज़रूर घुमाएं, क्योंकि हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क से प्यार है. तो चलते हैं ज़ू में, आए हुए इस वक्त और लोगों से बात करते हैं. आइए व्यूअर्स. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मीरा. आपका? शमीम. क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ. हाउसवाइफ हैं. आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ. स्टडी कर रही हैं. क्या पढ़ रही हैं? मैं टेंथ क्लास में. टेंथ में है. मीरा साइंस रखी हुई है, आर्ट्स रखी है? साइंस. साइंस रखी हुई है. डॉक्टर बनना है? नहीं. क्या बनना है? ब्यूटिशियन. ब्यूटिशियन बनना है. अच्छा, अभी से कोई ब्यूटी टिप्स आती हैं? घर में ट्राई करती रहती हैं डिफरेंट टोटके जो होते हैं, जिस तरह मुँह पर लगाने के लिए एलोवेरा लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, करती रहती हैं? क्या टोटका ट्राई करती हूँ और आपने कहा यार ये तो सही साबित हो गया? बहुत कुछ है. बेसन है, ऑयली स्किन को काम करता है. अच्छा जी. कभी कभी मैंने देखा है वो भी सूट नहीं करता, आपको एक्ने हो जाती है जी. आपको सूट करता है. क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करती हैं सारा दिन? मैं घर पे होती हूँ अभी, तो एकेडमी शुरू करनी है अभी. अच्छा, एकेडमी शुरू जी, अभी पढ़ना है. आप क्या करती रहती हैं? मैं घर का काम करती, घर का ही काम करती रहती हूँ और बच्चियों की जिम्मेदारियाँ संभालती. हाँ जी. कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, दो बेटे हैं. एक बेटी और दो बेटे हैं. लाहौर से? जी हम लाहौर से. अच्छा, वेरी नाइस. तो अभी आए हैं यहाँ पे जू में, दोनों का प्लान बना, दोनों आ गए? नहीं, फैमिली के साथ. फैमिली के साथ? फैमिली जी. हाँ जी. तो कौन सा अच्छा लगा जानते? मुझे मंकी. आपको? मुझे पैरेट ज़्यादा पसंद. पैरेट पसंद आया? अच्छा, परिंदा बहुत अच्छा लगा. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन से ऐसे पालतू जानवर हैं जो कि ज़हीन होते हैं? सोच रही आप? सोच रही सामने देख के सोच. ज़हीन होता है. पालतू जानवर कौन से होते हैं? डॉगी. कुत्ता का एक जवाब सही हो गया. दूसरा? दो बता दें. दूसरा नहीं पता. दूसरा नहीं पता आपको? क्या इंटरेस्ट है? मैं सिंगिंग करती हूँ और सिंगिंग का शौक है मुझे. वाह, अच्छा. फिर तो फिर आज गाना सुनाएंगी आप? जी. चलें जी, सुनते हैं आपसे गाना. सवाल का जवाब तो आपकी अम्मा ने दे दिया, आपसे हम गाना सुनेंगे. तो दुखी गाना सुनाने वाली हैं या कोई मज़े का गाना सुनाने? बस नॉर्मल है. कैसी है? हैप्पी सोल है, सैड सोल है, कैसी है? जैसे मुझे ज़्यादातर सैड सॉन्ग्स पसंद. नॉर्मल. नॉर्मल है. नॉर्मल. कौन सा सिंगर आपका फेवरेट? अरिजीत सिंह. अरिजीत सिंह पसंद है. चलें जी, सुनाएं फिर. अरिजीत सिंह का ही सुनाएं. बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा. जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा. तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो. दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा. थैंक यू. वाह जी वाह. किसको डेडिकेट करेंगी? किसी को भी नहीं. अपनी किसी फ्रेंड को डेडिकेट कर? एमन को कर दी. एमन को. एमन क्या लिखती हैं आपकी? मेरी स्कूल बेस्ट फ्रेंड है या सिर्फ वो फ्रेंड है? कितनी बातें शेयर करती हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स? सारी करती हैं. सारी कर लें जी. सारों के साथ कर लेती हैं या एक कोई स्पेसिफिक फ्रेंड है जिनसे आप बातें करती हैं अपनी पर्सनल घर की? कोई अच्छा लगे तो उससे भी कर लेती हैं. कोई अच्छा लगे? अच्छा जी. कोई पसंद है? नहीं. अच्छा ठीक है. तो मुझे बताएं कि आप के तीन बच्चे हैं, दोनों के क्या नाम है? एक का नाम तो मीरा. हैरी शहरी. हैरी शहरी, ये कैसे नाम रख दिया आपने? सही. बड़े का नाम हैरिस है, छोटे का नाम शहराम, इसका नाम मीरब है. बड़े डिफरेंट नाम रखे. पापा की डेथ को 6 मंथ हो गए अभी. 6 माह हुए हैं. चले कोई बात नहीं, ये तो दुख हमेशा सारी ज़िंदगी रहता है. उनके लिए दुआ करें और आपको अल्लाह ने बड़ी अच्छी बेटियां दी हैं, औलाद दी है, तो ये आपका सहारा भी बनेंगे इंशाल्लाह. और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी प्यारी फैमिली थी, बेटी ने गाना बहुत अच्छा सुनाया. जूम में इस वक्त हम हैं, क्राउड बहुत अच्छा आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं. चलते हैं उनकी तरफ, बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम. क्या नाम है? मीरवैस असदुल्ला. क्या करते हैं? एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ. और आप? मैं बिजनेस कर रहा हूँ. अच्छा, एजुकेशन कंसल्टेंट है आप, तो मशवरे देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं.
मशवरे भी देते हैं, एडमिशन भी करवाते हैं, ट्रेवल भी करवाते हैं। अच्छा, बाहर के जो होते हैं आउट ऑफ कंट्री के आप अपने पाकिस्तान में भी करवाते हैं? नहीं, पाकिस्तान से बंदू को बाहर भिजवाते हैं अब्रॉड। अच्छा, ठीक है, तो पाकिस्तान में नहीं करवाते, पाकिस्तान में भी तो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जिस वक्त बात कंप्लीट हो जाती है ना, किसी ने एमएस कर लिया, पीएचडी कर ली, तो फिर इतना ऑथेंटिक होता है ये, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा फ्रॉड हो जाता है, बच्चों के पैसे लेके लोग भाग जाते हैं। वो तो एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स और कंसल्टेंट में फ़र्क होता है। हम तो पैसे क्या फ़र्क होता है एजेंट्स में और कंसल्टेंट में? एजेंट ये कहते हैं सारे पैसे हमें दे दो, हम तुम्हें बाहर भिजवाते हैं। कंसल्टेंट ये कि हम तो पैसे नहीं लेते, हम कहते हैं आप फीस अपनी खुद भरो, हम सिर्फ अपनी अपनी फ़ीस लेते हैं। जिस तरह मैं आया हूँ पेशावर से, तो मेरी कैनेडा की है, मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी फ़्लाइट है लाहौर से ही, तो अभी इनका है 3-4 दिन। आप क्या लगते हैं? क्या क्या लगते हैं आपके? ये मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट हैं आपके, तो ये अभी आप इनको जू लेकर आए? बस अभी 3-4 दिन है फ़्लाइट में, ठीक है, कैनेडा जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा लाहौर का विज़िट करते हैं। सर, तो ये कहाँ से आप? मैं पेशावर से। पेशावर से हैं आप, ठीक है। तो अभी जो है वो ये इनकी 3 दिन बाद लाहौर की फ़्लाइट है, तो लाहौर में और कौन कौन सी जगह दिखा रहे हैं? लाहौर की है न्यू कैनेडा की? नहीं, अभी तो फिलहाल लाहौर में इनको पहली दफ़ा इधर लेके आए, फिर वाघा बॉर्डर जाना है, फिर लिबर्टी वगैरह, मतलब जो पिकनिक स्पॉट्स है वहाँ पे इनको ले जाके दिखाने हैं इन सबको। मेरे भी बड़े फेवरेट स्पॉट्स हैं, मैं भी यहाँ पे बहुत जाती हूँ। अब मैं सवाल की तरफ आती हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि एक जानवर है जिससे शेर भी डरता है। फिल वक्त तो मुझे अपनी बीवी लगती है। बीवी को जानवर कह दिया आपने? वो एक जानवर है जिससे शेर डरता है, कि जब मैं डरता हूँ तो मेरी बीवी भी डरेगी उससे। अच्छा, यानी कि आप खुद को कह रहे हैं शेर और उनको कह रहे हैं कि आपको उनसे डर लगता है। एग्जैक्ट। क्यों, मतलब बीवी से क्यों डर लगता है? बीवियाँ तो बेचारी मासूम होती हैं। ये मासूम बाहर होती हैं। बाहर कहाँ? मतलब घर से बाहर। घर से बाहर जब अंदर गए ना, तो फिर वो शेर बन जाता है, हम शेरनियाँ हो जाती हैं। तो अपने अपने घर में तो हर कोई शेर हो। मैं नहीं हूँ कम अज़ कम। हाँ, क्या गिले शिकवे जी बेगम से आपको? ना शुक्री करती हैं। चलें, कोई बात नहीं, यानी कि आपका दुख भी है। एग्जैक्ट, बिल्कुल यही है। ना शुक्री वैसे किस चीज़ पे करती हैं औरतें? ये नहीं लेके दिया से तारा भी तोड़ के ले आओ ना, तो कहेगी कलर ठीक नहीं है। अच्छा, कलर ठीक है। जो प्रिंट कॉन्शियस है ना, ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ये तो मसला होता है। देखिए, हमारे जो है ना, वो कलर्स देखने में डिफरेंस होता है, जिस तरह वाइट, ऑफ वाइट और एग वाइट, तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। हमें बड़ा उसमें होता है कि नहीं यार, ये वाला कलर नहीं होना चाहिए। मैं जब उनको कहता हूँ कि मैं सरप्राइज करता हूँ, तो कहती है कि मुझे सरप्राइज नहीं करते, तो मुझे शॉक करते हो। तो मुझे आज तक ये चीज़ नहीं हुई कि मैं कोई, अब जैसे मैं लाहौर आया हूँ। हालांकि ख्वातीन को तो सरप्राइजेस पसंद होते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं पसंद। वो कहती है मुझे शॉक होती इस चीज़ से। क्या, चले आप फिर ना दिया करें उनको सरप्राइज, मजबूरी देना तो पड़ता है। पहला सरप्राइज आपने उनको क्या दिया? गोल्ड की रिंग। अच्छा, पसंद आई थी? नहीं, वो कहते कि डिज़ाइन ठीक नहीं है। वो दुबई से लेके दिया था, कह रही कि बहुत अच्छा है, गोल्ड भी अच्छा है, लेकिन इसका जो कलर है वो जो डिज़ाइन है वो वाले ठीक नहीं है, पहले मुझसे मशवरा कर लेते। लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई है, फिर भी आपको इतने गिले हैं? बस क्या करें, मजबूरी है। पहले नहीं पता था आपको, कूद गए आप इसमें? नहीं, पहले तो बंदा प्यार में अंधा ही होता है ना। 12 साल हो गए शादी को? 12 साल। 12 साल माशाल्लाह, अभी भी आप कह रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं आप? 18। 12 साल में 18 बच्चे? जी जी। ये कैसे हो सकता है, ये तो ना समझने वाली बात है। मेरी ख्वाहिश है कि 18 बच्चे हो, लेकिन अच्छा, हाँ, नहीं, ट्विंस भी हो सकते हैं। खैर, नहीं, फिलहाल 4 हैं। फिलहाल 4 हैं। क्या नाम है बच्चों के, चारों के? लाइबा खान, जरीना खान, अफान खान, बरजान खान। माशाल्लाह, बड़े प्यारे नाम हैं। आप बताएं, आपने खामोशी रहना? बिल्कुल, मैंने खामोश हुआ, अभी इसका सारा जवाब दिया है। ये सारे जवाब देंगे आपने? ये मेरी तरह शर्माता बहुत है। आप बिल्कुल नहीं शर्मा रहे हैं। किसने कहा है कि आप शर्मा रहे हैं? आपको देख के लग रहा है कि आपकी बेगम आपसे डरती हो। ना 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 ना, पहले वो अगर सामने खड़ी होती तो मैं यूँ खामोश इनकी तरह बैठा रहता। बिल्कुल भी ना बोलते, भीगी बिल्ली बन के बैठे रहते। भीगी बिल्ली फिर भी अच्छी होती है। फैसले उनके ज्यादा चलते हैं आपके? मेरा तो आज तक एक भी नहीं चला। एक फैसला तो हो गया ना शादी का, वही था पहला और आखिरी था। गलत फैसला था कि अच्छा फैसला? बीवी तो को मेरे किसी को खुश नहीं देगा जो अपने शौहर से खुश हो। मुझे ये बताएं कि जब कभी लड़ाई ना हो, लड़ाई हो नहीं, जब कभी लड़ाई ना हो कई दिन, तो आप कभी पूछते हैं कि बेगम आज तबीयत ठीक है, तुम्हारी लड़ाई नहीं कर रही? वो जब मेरी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाती, कोई पैसे में से, कोई गाड़ी, तब खामोश रहती है। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने का। मुझे बताएं कि जाते जाते बेगम के नाम को शेर ही सुना दें।
शेर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो माइंड ना कर जाए। क्यों माइंड करेंगी, इतना कुछ आपने उनको बोल दिया, अभी भी वो माइंड ना करें? नहीं नहीं, माइंड नहीं करेगी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, आगे कुछ नहीं। किससे प्यार? वो बेगम से ही प्यार है, किसी और से? वो जो जिसको मैं सुनाना चाह रहा हूँ नहीं, उसने सुन लिया। ये कुटेंगे जाके, मैं आपको कह रही हूँ व्यूअर्स, ये जाके कुटेंगे, इन्होंने मार खानी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बोरी में बंद करके मारेंगी उनको। चले, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज की तरफ से। ऐसा निडर शोहर किसी को ना मिले। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपने देखा, इसको कहते हैं बहादुरी। आपने तो यहाँ पे जो देख रहे होंगे इस वक्त मुझे, जो हस्बैंड्स हैं वो कह रहे होंगे कि कैसा बंदा है जो बीवी की इतनी बुराइयाँ कर गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप आप शो को इन्जॉय कर रहे होंगे। इस वक्त हम चिड़ियाघर में हैं, लोग यहाँ पे बड़े प्यारे आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयमा। आपका? जोया। आयमा, मैं देख रही थी काफ़ी देर से आपको, एक तो इंतज़ार करना पड़ा और दूसरा ये कि बड़ा मुस्कुरा रही थी। आप क्यों मुस्कुरा रही? फर्स्ट टाइम ऐसा मुस्कुरा रही थी क्या? देख के हंस रही थी, मुझे फनी तो नहीं लग रही? नहीं 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 नहीं, आप तो प्यारी हैं माशाल्लाह इतनी। अच्छा चलें, थैंक यू। आप बस अपने देख रही थी हस्बैंड कहीं से ना आ जाए, वो गए हैं नमाज पढ़ने। अच्छा, तो आप क्या वो आपको बात नहीं करने देते? हाँ वो ऐसे ही हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारा इतना प्यारा इतना खूबसूरत फैमिली शो है, बूझो तो जीतो, तो इसमें तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, फैमिली देखती है ऐसे। शायद हंस रही थी मैं। अच्छा ठीक है, एक्साइटमेंट से हंस रही थी। आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में है? फोर्थ क्लास में है। और आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है, आप तो माशाल्लाह खुद बड़ी यंग लग रही हैं। बस छोटी उम्र में शादी होगी। उम्र में शादी होगी थी कब? किस उम्र में शादी हुई थी? 18 साल। छोटी उम्र में शादी करने का फ़ायदा है या नुकसान है? मामा ने पहला तजर्बा मेरे पे ही किया, शायद नुकसान ही है। अच्छा नुकसान है क्योंकि फ़ायदा नहीं है? मतलब आप एक तो यंग लगते हैं, आपके बच्चे यंग लगते हैं, कोई यकीन ही नहीं करता इसमें, मज़ा नहीं आता सुनने में? मज़ा तो आता है लेकिन बस इतनी नहीं छोटी उम्र में शादी होनी चाहिए, क्योंकि मामा पापा इतनी उम्र में शादी हो गई, काम करवाते नहीं है, ससुराल में जाके पहले दिन ही कह देते हैं खाना पकाना नहीं आता, ये नहीं आता है, पहले सब कुछ सिखाना चाहिए ना। अच्छा, यानी कि आपको अपनी अम्मी जान से गिले हैं कि उन्होंने आपको सिखाया नहीं? वो किचन में नहीं आने देती, आज भी किसी को नहीं आने देती, कहती मैं खुद ही करूँगी। हाँ, अब आपने ससुराल में जाके फिर सीख लिया सारा कुछ? मैं वहाँ ट्रेन हूँ सबसे ज़्यादा। अच्छा, क्या बड़े बड़े खाने बना लेती हैं, पाए बना लेती हैं, निहारियाँ बना लेती हैं? कुछ बना लेती हूँ, मैंने सीखा नहीं, खुद ही आ गया। रेसिपी है आपके साथ जो आपके पास, जो हमारी खवातीन के साथ शेयर करें आप? रेसिपी आप बता दें कुछ भी, पाए की रेसिपी बता दें। पाए नहीं मैंने अभी तक बनाए, निहार ये चीज़ें। आपको बिरयानी, आपको आती है बिरयानी? इन्होंने बिरयानी बनाई है। कोई और कोई ऐसी मज़ेदार रेसिपी बताएं जो कि मज़ा आए, कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। बिरयानियाँ निहारियाँ मेरी, अब जो देखने वाली खवातीन है वो भी अब कह रही होंगी कुछ नया आना चाहिए। पता क्या, मेरे हस्बैंड खाते हैं जो घरेलू खाने होते हैं, आम यानी कि सब्ज़ी हो गई, बिरयानी हो गई, इसके अलावा पाकिस्तानी मियाँ जो हैं वो यही खाते हैं, बाकी चीज़ें बाहर से ही खाते हैं हम लोग, बाकी चीज़ें बाहर से खाते हैं। बाहर से खाते हैं, कभी नहीं बनाई मैंने घर, क्योंकि शौक़ है बाहर से खाने का उसको, बाहर से खाने का शौक़ है। तो मियाँ की अच्छी क्वालिटी क्या है? एक तो सबसे पहले कि वो हाफ़िज़े कुरान है, दूसरा हम लोगों की बड़ी केयर करते हैं और हमें बच्चों की तरह ही रखा हुआ है। बैड हैबिट क्या है? बैड हैबिट ये है कि जो काम नहीं करना वो डायरेक्ट मुंह पे बोल देना चाहिए, लारे क्यों लगाते हैं? लारे नहीं लगानी चाहिए, ये एक दुख है। अच्छा आप बताएं आप क्या सुनाएं? पहले मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे, मैं आपसे पहले सवाल कर लेती हूँ। हमारा जो बूझो तो जीतो का आज का सवाल है वो ये है कि दो ऐसे जानवरों का नाम बता दें जो कि पालतू जानवर हैं और वो ज़हीन है। एक तो डॉग। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा बिल्ली। नहीं, तोता शायद। पैरट जानवर है। जानवर, एक और चांस। ज़हीन, कोई बात नहीं। आप बताएं कि आप क्या सुनाने वाली हैं? नेल बाइटिंग क्यों कर रही हैं? कंफ्यूज हो रही हैं, बहुत बुरी बात है, नेल बाइटिंग नहीं करते होते। इनको गाना सुनाएंगी? सुनाएं जी गाना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर जो से,
तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना तुम करीब होके, सदा ही रहना तुम। बस इतना ही सुनाना है मुझे, लगता है उसका दिल बंद होने वाला है कि मैंने क्या सुना दिया है। डरी भी हो, तालियां बजाएं जी इनके लिए, बहुत अच्छा गाना, इन्होंने कोशिश तो अच्छी की है ना। अब आपको हम देते हैं लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्ची जो है वो उसने गाना सुनाने की कोशिश की, इस तरह जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं या इर्द गिर्द खड़े हुए हैं उनके अंदर कोई टैलेंट है तो वो भी आए ज़रूर और हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तनवीर हुसैन जी। आपका? अली रजा। कौन सी क्लास में हो? 5। आप क्या करते हैं? मैं ज़राअत पेशा हूँ। ज़राअत पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने कौन सी क्लास में बताया? 5। 5 क्लास में पढ़ते हो। और कहाँ से ताल्लुक़ है आप दोनों का? बकर से। बकर से? बकर से। बकर कहाँ करके आते हैं? मियाँ वाली के नज़दीक है, लैया के साथ है। अच्छा, तो बकर की मशहूर चीज़ क्या है वहाँ पे? बकर का तेल मशहूर है। कौन सा? सरसों का? सरसों का तेल मशहूर है। मेहमान आते हैं कहाँ लेके जाते हैं उनको कि यहाँ की मशहूर जगह है खाने की चीज़, तो वो लेकर आता हूँ मैं बाहर। हम उनको डेरा इस्माइल खान ले जाते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल है आपसे कि जू में आप आए हुए हैं दोनों, आपका बेटा लगता है? ये मेरा बेटा है। बेटा है, दोनों जू में आए हुए, कैसे इरादा बना, क्या प्लान था कि आज हमने जू जाना है? जी, हमने पहले अपना मुल्तान स्टेडियम में मैच देखा है, फिर हमने मैच एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया है टेस्ट मैच? वो तो मैचेस चल रहे हैं बिल्कुल। जी जी। बच्चे, आपको क्या शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है? जी। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? फौजी। फौजी बनना चाहते हो, मुल्क की खिदमत करना चाहते हो? यस। ठीक है, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, दो ऐसे जानवरों का नाम बताएं, पालतू जानवरों का, जो कि ज़हीन होते हैं। एक तो हरन, दूसरा शेर। नहीं, एक तो हिरन, गलत है ये। शेर पालतू जानवर है? इसको तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पालें तो खौफ आए आपको शेर से। नहीं वैसे कोई बात नहीं, क्या सुनाएंगे आप? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। क्या बात है, नगमा पूरा सुनाते ज़रा मज़ा आता। और अब्बू जो हैं आपके वो बड़े सपोर्टिव लग रहे हैं जिस तरह से तालियां बजा रहे थे। तो चलें, थैंक यू लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर, ये लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने जो है वो मिली नगमा सुनाया। यहाँ पे क्राउड में और भी बड़े अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं, हवा बड़ी अच्छी चल रही है आज तो, लेकिन ठंड नहीं लग रही है, अच्छी हवा चल रही है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कुमैल। इरसा कुमैल। इरसा क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। और ये बच्ची का क्या नाम है? मंतशा ज़ारा। मंतशा ज़ारा बड़ी प्यारी हैं, क्यूट सी हैं, इसको आज जू घुमाने के लिए लेकर आए हैं। क्या करते हैं आप? मेरा मेडिसिन का काम है, फार्मेसी में। फार्मेसी का काम है, यानी कि घर में ही डॉक्टरी चल रही होती है? एज अ सीनियर सेल्स आर्काइव हूं, शफी फार्मेसी, प्राइवेट फार्मेसी है। लेकिन मेडिसिन का तो पता होता है ना, घर में ही इलाज चल रहे होते हैं। इरसा कभी बीमार हो जाए तो कहें भाई ये दवाई मुझे पता है यही खा लो, बिल्कुल सही होता है? सही होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से है ना, कि जब कोई बीमार होता है तो कोई फ़ोन करके भी पूछ लेता कि हाँ जी कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, तो हम गाइड कर देते हैं। गाइड कर देते हैं आप, ठीक है। अभी अभी जू आए हुए हैं तो मज़ा आ रहा है, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर से आप लोग? हाँ जी, लाहौर से। लाहौर से हैं। सवाल है मेरा ये कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिससे शेर भी डरता है? मुझे तो लगता है वो लगड़ बगड़ है। लगड़ बगड़ कौन सा जानवर है? मैंने नहीं सुना हुआ, अभी हमने देखा वहाँ पे। पहले व्यूअर्स आप, मैं भी आपको दिखाती हूँ, अगर टाइम मिला तो ज़रूर जाके दिखाएंगे कौन सा जानवर है, नाम बड़ा डिफिकल्ट। लाइन से डरता है? नहीं, ये नहीं है इसका नाम। वो बिल्ली, शेर की खालत है बिल्ली। नहीं, वो तो खालत ही ना, शेर उस जानवर से डरता है। शेर उस जानवर से डरता है? काऊ, बफेलो? नहीं। चलें छोड़े, हम वैसे कोई बबात कर लेते हैं। शादी को कितना अर्सा हो? 4 साल हो गए। माशाल्लाह। और एक बेटी है? नहीं, एक बेटा भी। वो कहाँ है? बेटा भी है। बेटा वहाँ पे है, तो बेटा इधर आ जाए। कबीर इधर आए। कबीर इस वक्त जो है वो मूड में नहीं, इतने गुस्से में किस पे चला गया?
आप दोनों तो बड़े स्वीट लग रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। ये वैसे किस्सा आता है, नॉर्मली बच्चों को आता है? नॉर्मली होता है ना कि कोई एक आदत पेरेंट्स से आ जाती है बच्चों में, कोई आदत नहीं है, लेकिन वो वक्ती तौर पे ऐसा हुआ था। अच्छा, वक्ती तौर पे ऐसे मुझे एलिफेंट दिखाए और एलिफेंट है नहीं। चले कोई बात नहीं, ये सारे बच्चों का दुख है। जब मैं यहाँ पर आती हूँ सारे यही कहते हैं एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट होना चाहिए। बेबी एलिफेंट, एलिफेंट मॉन्की वगैरह ये सब तो दिखा दी, लेकिन एलिफेंट की वजह से क्या अच्छा लगा? खुद को मैं ही अच्छा लगता हूँ। आप एनिमल हैं? नहीं, एनिमल्स में जोन सा मुझे लाइन ही अच्छा लगता है। मेरे साथ कह रही होंगी हाँ है तो सही है। नहीं ऐसी बात है, सच बता दे ऐसी बात तो नहीं है, अंदर ही अंदर कहीं कह रही होगी लेकिन मुँह पे नहीं कहेगी। अच्छा, क्या इनकी अच्छी आदत है? कोऑपरेटिव है और खाने अच्छे अच्छे बना के देती है मुझे, तो फिर दिल खुश रहता है, पेट भी खुश रहता है। बुरी आदत क्या है, बैड हैबिट क्या है? ये उठती नहीं जब मैं घर आता हूँ तो इसको सोई होती है, सोई होती हूँ, फिर जब आते हैं फिर मैं ये आवाज देते हैं, मैसेज करके पूछती है आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ये नहीं पूछती मुझे, भूल जाती है। बच्चे कितना मियाँ के मासूम गिले शिकवे क्यों नहीं पूछती? अब आइंदा से आप पूछेंगी जी, बिल्कुल ना, डांट पड़ेगी। नहीं नहीं, डेली पूछूंगी, डेली पूछे। बच्चे भी तो कितना तंग करते हैं ना सारा, एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है। चले आइंदा से आपको मैं मैसेज कर दूंगी इनको, एक मैसेज कर दें वो भी खुश हो जाए, आपस में मिल के रहें, और आप इन्हें मैसेज, चले ये नहीं पूछती, आप पूछते? मेरे पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं होता। ये क्या बात हुई, आप पूछते नहीं है उनसे, एक्सपेक्ट कर होता है कि मुझे, चलो मेरे पीछे कोई तो है, मुझे मैरिज और अरेंज मैरिज है। कितने दुखी लग रहे हैं कसम से। अब आपने इरसा प्लीज हमारे जो प्यारे भाई हैं उनको जरूर मैसेज करना है और उनको पूछना है कि आपने खाना खाया, ठीक है आके खाएंगे, क्योंकि घर में कुछ नहीं बना तो आप बाहर से ले आए, ये ठीक है, ये भी करें। नहीं होगा उस दिन मैसेज कर दूंगी घर से। तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर अलग? जॉइंट फैमिली, हमारा जॉइंट फैमिली में रहते हैं। चलें जी, अभी आपका गिला भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, तो क्या मैसेज देंगे इरसा जाते जाते? हाँ सर, इन्होंने तो बैड हैबिट बता दी है, पहले आप बताएं इनकी गुड क्वालिटी क्या, बैड हैबिट क्या है? ये बहुत अच्छे हैं, इनमें बैड हैबिट कोई भी नहीं है। ये होती है बेगम, ये होती है बेगम। हाँ गर्ल्स हैं, आप एक दूसरे का साथ देंगी, हमारा साथ। आप तो मुझे नाराज ही लग रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं वो आपका साथ हैं। वो भी मेरी तरह, मेरे और उनमें मुझे लग रहा कोई फर्क नहीं है। उनकी शादी होने वाली है अब तो कोई बात नहीं है, ये दुख वो भी सहने वाले हैं। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैंपर, ये लें जी। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि एक मैसेज करने से कोई हर्ज नहीं होता है, ये मियाँ बीवी के आपस में गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं, इसी तरह जिंदगियाँ गुजर जाती हैं और कुछ लोग नई जिंदगियाँ गुजारने भी वाले हैं। तो इधर हम जो है एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद मी। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। आई होप आपको मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। यहाँ पे हम जूम में हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों से खट्टी मीठी बातें करने का बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मूड बड़ा खुशगवार है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साबरा तनवीर। आप? मुर्तज़ा। सैयद सुलेमान अहमद नदी। कौन सी क्लास? मैं 2। आप कौन सी क्लास? 3। आप? प्लेग्रुप। ग्रुप में। ये तीनों बच्चे आप? नहीं, ये मेरा बेटा है और ये मेरे भतीजे हैं, दो। अच्छा, दोनों भतीजे हैं। आज आपका प्लान बना, जू चलते हैं, बच्चों को जरा दिखाते हैं। एग्जैक्टली exactly, आप बच्चों एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। जरा ऊंचा बोलो, मुझे पता लगे कि हाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। मजा आ रहा है? यस यस। ऐसे जैसे टीचर पूछती है ना, बच्चों की कभी कभार टीचर बन जाती हूँ, बच्चे मुझसे डर जाते हैं, सवाल कर रही है हमसे। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप करती क्या? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं आप? क्या जॉब करती हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे एक नौकरी वाली लड़की मिली है जो हाउसवाइफ भी है और वर्किंग वुमन। मैं क्रेसेंट स्कूल में जॉब करती हूँ। स्कूल में पढ़ाती हैं? नहीं, वाली टीचर। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि एक जानवर है जिससे शेर डरता है, वो कौन सा जानवर है? शेर डरता है, बकरा। It can be monkey? No. हिरन। हर जाके आप लोगों ने सर्च कर। हिरन। वैसे तो आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, इसके एंड में भी मैं आपको बताऊंगी। हिप्पो। हिप्पो? नहीं। हिरन। नहीं, बस चांसेस खत्म हो गए हैं। अब मैं मुझे बताएं आप लोगों से, मैं टंग ट्विस्टर करवा दूं। डॉगी। बस अब खत्म हो गए हम चांसेस। हम आपसे करवाते हैं टंग ट्विस्टर। आपने बोलना है कीकर की लकड़ी पर कीकर की मकड़ी 5 दफा। कीकर की लकड़ी पर कीकर की मकड़ी, 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 कीकर की लकड़ी पर कीकर की मकड़ी।
स्मूथली आपने अरे तालियां बजाएं अपने मामा के लिए, वेरी गुड, क्या बात है। आप बोले कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का 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 हो गया। अब आप करें कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक्का पापड़ पक्का पापड़। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बेचारा जो है आगे ऐसे खड़ा हुआ है सुध बुध होकर। आप क्या करते हो, शैतान शैतानी बच्चे, क्या करते हो सारा दिन घर में? वो तो ये है। अच्छा, वो तो बच्चे मन के सच्चे कहते हैं ये, वो तो ये है, खुद इल्जाम लगा दिया बच्चों पर। क्या खेलते हो सारा दिन, कौन सी गेम खेलते हो? मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। अच्छा, कितना डिफरेंस हो चुका हुआ है। हम जब छोटे थे तो हम पता नहीं कौन कौन सी गेम्स खेलते थे, और अब बच्चे जो है वो सिर्फ मोबाइल पे ही लगे रहते। एक्चुअली ये डिमांड है आजकल के इराकी ना, कि अब देख लें कोविड आया, कोविड में सारा कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया और फिर ऑनलाइन सारी स्टडी हो गई, तो आई गेस ये डिमांड है। अगर ये बच्चे हमारे मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे तो ये पीछे रह जाएंगे इस दौर से। तो आई गेस इट्स गुड, आप समझती हैं कि इट्स गुड, मतलब कि मोबाइल का पता होना चाहिए। ऑब्वियसली देयर शुड बी द चेक ऑन द किड्स, और द अदर थिंग इज लिमिटेड टाइम होना चाहिए, एक टाइम स्लॉट आप डिफाइन कर लें। बच्चे आजकल के लिमिटेड नहीं होते ना, वो दिन में दोपहर में मेरा मानना ऐसा है, मैं ये कहती हूँ कि बच्चे निकलें बाहर खेलें, क्योंकि अब ज़रा माहौल भी ऐसा हो गया है कि घर के बाहर तक रहें या छत पे जाके खेलें, लेकिन उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आजकल के बच्चे मैंने देखा बहुत छुई मुई हो चुके हैं, समझती हैं आप इस बात? हाँ जी, हाँ जी, वेरी ट्रू, बट द थिंग इज अगेन कोविड ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, इवन के हमारा लर्निंग स्टाइल भी चेंज कर दिया है, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है, इवन हम जो परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन। कहेंगी कि ये सारा कोविड की तरफ जाता है, इसको क्रेडिट कह लें या कसूर कह लें? हाँ जी, कोविड का ज़्यादा इसमें पार्ट है, और दूसरा ये कि ये डिमांड है हमारे इराकी के बच्चों को, नो हाउ होनी चाहिए गैजेट्स की। चलिए ठीक है, आपकी अलग सोच है, कुछ लोगों की अलग सोच है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ सुनूंगी, मुझे बताओ क्या सुनाओ। इससे सुन ले, आप सुनाए। मैं तो थ्री में, मुझे तो आती नहीं होगी। आप सुनाए। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, मेरे सलाने एक दिन केला बैठा हुआ था, मैंने वापस ना आया। वेरी गुड जी, तालियां बजाएं, देखिए उसने सबसे अच्छा जो है वो सुनाया है, और उसको देखिए कहते हैं मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो थ्री में, थ्री क्लास के बच्चे को पोइम नहीं आती। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे जो हैं वो बड़े शरारती थे, बड़े शैतानी थे, और फर जवाब दिए उन्होंने मुझे। तो चलें आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, और इसी तरह आप एंटरटेन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कल्बे ज़हरा। आपका? फरहान। कल्बे ज़हरा, बड़ा खूबसूरत नाम है। थैंक यू। किसने रखा है? मेरी मम्मा ने। आपकी मामा ने रखा है। शादी को कितना अर्सा हो गया? 12 साल हो गए। बड़ा सोच के जवाब दिया है उन्होंने, देखे। हाँ, प्यार की बात है ना, याद नहीं कब से प्यार है। सी देखा। मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा तो चलिए, अब मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। सवाल हमारा आज का ये है, पहले तो आप मुझे बताएं आप दोनों करते क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। और आप? मेरा जनरल स्टोर है। मुझे लगा शायद आप कहेंगी मैं तो नखरे ही करती हूँ। नहीं, नहीं उठाती हूँ, करती नहीं हूँ। अच्छा, उठवाती हैं? उठाती हूँ। उठाती हैं, पहली खातून देख रही हूँ, ज़्यादा उठाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यानी यानी कि आप कहना चाह रही हैं आपको इनसे ज़्यादा प्यार है? हाँ कह सकते हैं, ऐसा ही है। ऐसा ही है, आपको देखने दे। देख ही रही हूँ, नज़र आ ही रहा है मुझे। ख्वातीन को इतना नहीं झुकना चाहिए, मर्दों को ही प्यार करना चाहिए। नहीं नहीं, हम करेंगे तो ही हमें करेंगे ना। अच्छा चलें, बड़ी आप ये अच्छी बात है और अच्छी सोच है। अब हमारा सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे दो जानवर हैं पालतू जो कि ज़हीन होते हैं? पालतू जानवर, आई थिंक बिल्ली। एक दो हो गए। एक तो हो गया, ठीक है, और आप बताएं दूसरा? पिजन। नो, आपका चांस खत्म, आप बताएं। पैरट है। वो परिंदा है, मेरे जानवर। आप देखें, ये हमारा पाकिस्तानी कौम का मसला है कि वो पूरा सवाल नहीं सुनती हैं। तो ये मेरा सवाल ये था कि वो कौन से ऐसे दो जानवर हैं पालतू जो कि ज़हीन होता है? एक गोट है, बकरा। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। चलें कोई नहीं, आप चिड़िया घर आए में आपका जो है वो फेवरेट एनिमल कौन सा है जो आपको खींच लाए यहाँ पे कि मैंने आना? हम अपने बच्चों की खुशी के लिए आए, जो छोटी सिस्टर है ना। कहाँ हैं आपके बच्चे? ये अच्छा, इधर आओ बेटा, जल्दी से इधर आओ।
आपका नाम क्या? बच्चा शर्मा रहा है, क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? क्या नाम है? काशान हैदर। काशान कौन सी क्लास में हो? फोर में हो। ये आपकी अम्मा बहन, जरा सच सच बता दो, कितनी लड़ाई करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, प्यार से रहते हैं। मामा ज्यादा बात मनवाती हैं या अब्बा? पापा। ये बच्चे यानी मन के सच्चे, यानी आपने सही बात की है, इससे साबित हुआ है कि आपकी जो बेगम है वो सच बोलती है। ऐसे ही बोलती है, ठीक है। इनकी गुड क्वालिटी क्या और बैड हैबिट क्या है? इनकी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये बुरी आदत होगी। और अच्छी क्वालिटीज क्या है? बहुत केयरिंग है, लविंग है, जो बात कहती मान भी जाते हैं, जो फरमाइश कहती पूरी हो जाती है। अब तक सबसे बड़ी फरमाइश कौन सी की है? हम मौला पे जा रहे हैं और हमारी फरमाइश पूरी हो गई है, हम ईरान जा रहे हैं। अच्छा, ईरान जा रहे हैं, ठीक है, चलें, अच्छी बात है, वहाँ जाएँ और आपका वो ट्रिप बहुत अच्छा रहे। आप मुझे बताएं इनकी गुड क्वालिटी क्या और बैड हैबिट क्या है? इनकी ये हमारी बात मान लेती हैं, जो कहती हैं। इन्होंने कहा मेरे मौला पे लेके जाएँ, मैंने कहा ओके, यहाँ पे कहा यहाँ पे लेके आ गए। ये अच्छी बात है। मुझे बताएं फैमिली में कैसी है इनकी रिप्यूट? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छी है, भाभियों में सबसे ये छोटी है। अच्छा, आप सबसे छोटी भाभी है। लाडली भाभी हैं? नहीं, सब एक जैसे होते हैं, अब छोटा बड़ा सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे होते हैं और घुल मिल के रहने वाली हैं। हाँ। अभी किसी की रिसेंट शादी आ रही है? अटेंड कर लिया? नहीं, मिस कर रहे हैं शादी को। शादी मिस कर रहे हैं, सर्दियाँ आती हैं तो बस ये होता है, शादी करें, ज़रा कपड़े पहने निकालें। मेरे तो देखें फैमिली में अभी किसी की शादी नहीं आ रही, मैंने आज ही कपड़े पहन लिए हैं। कि अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि जो पाकिस्तान के मुल्की हालात हैं ना, वो बड़े बैड हुए हुए हैं, लोगों को समझ ले कि इस तरह ज़िंदगी मुश्किल से गुजर रही है। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मर्द ज़्यादा बेहतर अच्छी राह बता सकते हैं, उन्होंने हमें पूरा करना है, घर को भी बाहर को भी। हम तो बस घर बैठे, मेहनत का भी तो काम है, वो घर में कुफाइश शुआरी से रहे, वो तो हम करते हैं, शुक्र करते हैं, कोशिश करती हैं अपनी पूरी पूरी। काशान आप क्या सुनाओगे? कुछ सुना दो, कोई पोइम सुना दो। कौमी तराना पाक ज़मीन शादबाद, कीश्वर अज़ीम शादबाद, तू निशान अज़्मे आली शाह, अज़्मे पाकिस्तान, मर्ज़े यकीन शादबाद, पाक ज़मीन का निज़ाम, कुव्वते कुव्वते अवाम, और मुसक्त रख्त भाई ज़्यादा बिंदाबाद, शादबाद मंज़रे मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमार, तर्जमा दे बादशाह ने आ जाने इस्तफा, साए हुदाए ज़ुल्जलाल। अच्छा वो है पाइंदा ताबिंदाबाद, सारे पाई साडा जिंदाबाद, क्या बात हुई जिंदाबाद उसको कहते हैं। एक मेरा बड़ा बेटा भी है, वो शर्मा रहा मनी। अच्छा चलें, वो उसको शर्माते रहने दें, हम आपको गिफ्ट टेम्पर दे देते हैं। ये लें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक गिफ्ट टेम्पर, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई उनसे, और इसी तरह यहाँ पे लोग और भी आए हुए हैं, हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी नाज़िया आमिर। आपका? मोहम्मद मुश्तफा आमिर। मुस्तफ़ा नदीम। अब्दुल मोहिद। अच्छा, ये तो वही बच्चे हैं जो बड़े शैतानी बच्चे हैं, है ना? जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो आगे पीछे से गुजर रहे थे, अब वही बच्चे हो ना? शरारती हो? ये कर रहा था मैं, ये कर रहा था। सच बता दो कौन कर रहा? ये दोनों कर रहे थे। मैं तो नहीं था। दोनों की पिटाई हो जाए फिर मैं रूबी की साथ करा कह रहे हो जाए। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। मैं 6th में हूँ। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास? KG 2 में हो। तो ये तीनों आपके बच्चे हैं? जी, ये मेरे दोनों बेटे हैं। ठीक है, माशाल्लाह। भतीजे। अच्छा मुझे बताओ, ये आप ब्लॉग से खेल रहे हो, ये करना आता है? करो जरा दिखाओ। आए जरा, व्यूअर्स देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 15 मिनट। मतलब थोड़ा सा। चलो मैं बात करती हूँ, तब तक आप जो है ना वो ये करो, इसको सॉल्व करो, मैं जो है वो बात करती हूँ। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसे शेर डरता है? शेर डरता है? चीता। हाथी। हाथी। हिप्पो। नहीं। बिल्ली। नहीं। अभी कौन सा एनिमल पसंद आया आपको? मुझे आया एलिफेंट। एलिफेंट तो है ही नहीं। एलिफेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। टाइगर। टाइगर अच्छा लगा आपको? मुझे भी टाइगर। आपको भी टाइगर अच्छा लगा है। मुझे बताओ कितनी शरारतें करते हो? नहीं मैं नहीं करता। करते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ। एक रुपया।
एक रुपया टाइम ही नहीं मिलता स्कूल से आए दो इसका दुख जो है। अरे वाह जी दिखाएं जी सॉल्व कर दी है तो ये मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको सॉल्व करने में। वेरी गुड वेल डन जी इन्होंने ये सॉल्व कर लिया है। वेरी गुड जी तालियां बजाएं इनके लिए। हमने इंटरव्यू लेते लेते ये करवा लिया। अब आपने सवाल का जवाब तो मुझे नहीं दिया दोनों क्या सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअब्दू व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम ग़ैरि मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। माशाल्लाह क्या बात है गिफ्ट हैम्पर पकड़ाइए जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर ये लें जी। लड़ाई तो नहीं होगी आपस में चलें थैंक यू सो मच थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि बड़े प्यारे बच्चे थे शरारती बच्चे थे और ब्लॉक भी जो वो खेल रहे थे आप आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं लेकिन उन्होंने सॉल्व कर लिया। बड़ा मज़ा आया बात करने का। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ और सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या जवाब है इनके। बड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं थे लेकिन एक डिफ़िकल्ट भी था। पहला सवाल हमारा ये था कि वो कौन से ऐसे दो पालतू जानवर हैं जो कि ज़हीन होते हैं। तो इसका सही जवाब है कुत्ता और घोड़ा। तो ये दो रहे इसके जानवर। तो दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिससे शेर डरता है। इस सवाल पे आज मैंने बड़ा इन्जॉय किया लोगों ने बड़े मज़े मज़े के जवाब दिए स्पेशली जो हस्बैंड्स थे उन्होंने कहा कि हमें तो बीवियों से डर लगता है तो शेर शेरनी से ही डरता होगा। तो ये इसका सही जवाब नहीं था। इसका सही जवाब है सीमिया। ये एक जानवर है जो कांटेदार होता है उसके जिस्म पर जिस तरह कांटे बने होते हैं। आप गूगल पर सर्च करते हैं आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। हो सकता है शायद मैं भी सही प्रोनाउंस ना कर पा रही हूँ लेकिन आपको ज़रूर गूगल पर सही मिल जाएगा। तो ये रहे हमारे दो जवाब जो कि मैंने आपको दे दिए हैं। आज जिन्होंने जवाब दिए उनको हमने गिफ्ट हैम्पर दिए जिन्होंने नहीं दिए हमने उनका भी दिल नहीं तोड़ा और उनको गिफ्ट हैम्पर दिया। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसी तरह हम हाजिर होंगे अगली एपिसोड में नए लोकेशन के साथ नए लोगों के साथ। तो अगली एपिसोड भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है तो आपने देखना नहीं भूलना और मेरा भी इंस्टाग्राम फॉलो करना नहीं भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।